कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव हजरतपुर में स्कूटी सवार दंपत्ति को पीछे से आ रही तेज रफ्तार टेम्पो ने जोरदार टक्कर मार दी और टेम्पो चालक मौके से फरार हो गया। घटना को देख राहगीरों ने घायलों को सड़क से उठाया और डालसो को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। आज क्या मामला है, जो मरीज आए हैं तुम्हारे यहाँ? अच्छा, आज दो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आए हैं ना, 100 नंबर पुलिस लेकर आई थी। एक महिला है, एक पुरुष है। महिला का नाम कैलाशो है और इनके हालत गंभीर से फर्स्ट एड दूसरे हैं उनके हस्बैंड हैं हुकुम सिंह, उनके भी चोट है सर में ही, उनको भी फर्स्ट एड देकर एम्बुलेंस के लिए रेफर किया गया है। ये तो पिकअप भी ना कर पाएगा जी, टेम्पो वाला मार के गया। आप कैसे थे, कहाँ से आ रहे थे आप? हैदराबाद से। कहाँ जा रहे थे? हर को जा रहे थे। अच्छा, पीछे से मारी आगे से? अच्छा, कौन कौन थे आप? मियाँ बीवी। दोनों को चोट लगी है? दोनों को। अच्छा, कहाँ के रहने वाली हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुकुम सिंह, चौकीदार। चौकीदार। और पत्नी का? विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 282 बलहा में उपनिर्वाचन 2019 के लिए सपा प्रत्याशी किरण भारती ने नामांकन प्रस्तुत किया। उनके साथ वहां पर मौजूद पूर्व सपा विधायक रामतेज यादव व पूर्व सपा विधायक मुकेश श्रीवास्तव और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे।